लगातार खबरों के लिए बेल आइकन दबाइए, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यूज 29 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 29 इंडिया में। मैं हूं आपके साथ प्रिया शर्मा। इंदौर जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर प्रवीण जड़िया द्वारा आज सुबह दी गई जानकारी के अनुसार कल रात तक 42 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए थे। इस तरह कल रात तक इंदौर जिले में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 586 पर पहुंच गई है। आज सुबह दिल्ली से प्राप्त मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार 110 और नए मरीजों में कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। इस तरह अब इंदौर जिले में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 696 हो गई है। डॉक्टर जड़िया के अनुसार पहले 13 मरीज गंभीर अवस्था में थे, लेकिन अब सिर्फ 3 मरीज ही गंभीर अवस्था में हैं। जिले में अब तक कोरोना संक्रमण से मृतकों की संख्या 39 हो गई है। वहीं कोरोना संक्रमण पॉजिटिव होने के बावजूद भी उपचार के बाद स्वस्थ होकर घर लौटे मरीजों की संख्या 37 है। जिले के विभिन्न अस्पतालों में भर्ती कोरोना पॉजिटिव मरीजों में से 392 मरीजों की हालत स्थिर बनी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 29 इंडिया। अभी पूरी रिपोर्ट तो नहीं आई है, लेकिन जो रिपोर्ट आई है उसमें इंदौर के 160 पॉजिटिव और 3 प्रेजेंटिव पॉजिटिव आए हैं, जिनको अंदाज लगाया जा रहा है कि वो निगेटिव ना होकर पॉजिटिव की तरफ ही रहेगी। तो कुल मिलाकर 110 का आंकड़ा बढ़ गया है। कल रात तक हमारे 586 पेशेंट थे, इन 110 को मिलाने के बाद अभी 696 पेशेंट्स हमारे पास पॉजिटिव हो गए हैं। क्वारंटाइन हाउसेज में जो रखे हैं हमने पेशेंट्स, वो लगभग 1400 के करीब हैं। उनमें से कुछ लोगों का जिनका 14 दिन का काम पूरा हो गया है और वो निगेटिव आए थे, तथा उनकी उस क्वारंटाइन सेंटर में एक भी पॉजिटिव नहीं था। इन लोगों को हमने छुट्टी देना शुरू कर दी है, तो कुछ लोगों को 8 दिन छुट्टी देंगे हम लोग। और 20 लोग करीब ऐसे हैं जो विभिन्न अस्पतालों में भर्ती हैं और उनकी प्रारंभिक रिपोर्ट निगेटिव आई थी। आज यदि दूसरी रिपोर्ट निगेटिव आती है तो इन्हें भी छुट्टी दे दी जाएगी। लगातार खबरों के लिए बने रहिए न्यूज 29 इंडिया के साथ। एक देश सारे प्रदेश।